Hey guys, welcome to my channel Cosmetologist. I'm Deepthi, your friend. I hope आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपके हेयर शाइन कर रहे होंगे. गाइज, शायद आपको लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे फेस पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, बिल्कुल भी मेकअप नहीं. ये मेरी बिल्कुल कम्प्लीटली ओरिजिनल स्किन है. अब आप सोच रहे होंगे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं प्रॉपर मेकअप करके आती हूँ, लिप टिंट लगा के आती हूँ, प्रॉपर अच्छा सा इंट्रो बोलती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे क्यों आई? क्योंकि मेरा मन कर रहा था. क्योंकि आज जो मैं आपको समर ग्लो फेशियल बताने वाली हूँ, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है. मैंने सच्ची में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आएगा. क्योंकि मेरे फेस पे इस साइड थोड़े से एक्ने हो रहे थे, एक्ने स्कार्स भी हो रहे थे. क्योंकि समर सीजन चल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हम बाहर जाते हैं, ज्यादा देर धूप में रहते हैं और अपनी स्किन की क्लींजिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो हमारे फेस पे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम तो होनी ही है. और मेरी स्किन बहुत ज्यादा ही खराब हो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक फेशियल कर लेती हूँ, साथ ही साथ एक वीडियो भी बना लूंगी जिसे मैं आप लोग को भी बता पाऊंगी. लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग आएगा कि मुझे इंट्रो एंडिंग बिना मेकअप में शूट करने का मन कर. आप बिल्कुल देख सकते हैं. तो अगर आपको भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है समर सीजन में, कि आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं या फिर एक्ने स्कार्स हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. साथ ही साथ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए कि फटाफट से आप जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें लिख पाए, उनका रेशियो लिख पाए, ताकि आपको बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो. तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं. और गाइस, मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इस फेशियल को जरूर यूज कीजिएगा. और न्यू मेंबर्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस चैनल पे आपको बताती हूँ स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में, बॉडी केयर के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस के बारे में, और बहुत सारे चैलेंजेस जो कि आप मुझे देते हैं स्किन केयर से रिलेटेड, कभी हेयर केयर से रिलेटेड. तो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके ग्रे कलर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. फटाफट से अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं. और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा फनी है, लेकिन जब मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया तब मुझे पता चला कि मैंने अपनी रिंग लाइट ऑन भी नहीं की थी. तो ना ही लाइटिंग का कमाल है, ना कुछ है, मैं सिर्फ एक विंडो के सामने शूट कर रही थी और मैं सच्ची में लिटरली अपनी रिंग लाइट चालू करना भूल गई थी. गाइस देखिए, मेरी ओरिजिनल स्किन है और मेरी रिंग लाइट ऑफ है, और इसका मैं सबूत आपको देती हूँ कि पीछे जस्ट एक विंडो है और कुछ भी नहीं, जहाँ पे मैं हमेशा शूट करती हूँ और रिंग लाइट मेरी ऑफ है, मुझे पता भी नहीं है. ये देखिए, ये एक विंडो है और ये मेरी रिंग लाइट दिख रही है आपको, ये ऑफ है. क्योंकि ऑन होती तो आपको समझ में आ जाता है यहाँ पे बहुत लाइट आ रही होती. मैंने आपको सबूत भी दिखा, ओह शिट, हाँ, तो मैंने आपको सबूत भी दिखा दिया कि मेरा रिंग लाइट ऑफ है. और सच्ची में गाइस, बहुत अमेजिंग है, फटाफट से यूज करो. तो गाइस, समर सीजन में चिपचिपी स्किन, डल स्किन से तो हम सभी लोग परेशान रहते हैं, और हमारी स्किन भी तैयार रहती है ऑयलीनेस, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और एक्ने के लिए. तो चलिए हम भी तैयार हो जाते हैं समर स्पेशल ग्लो फेशियल के लिए. तो ये फेशियल होने वाला है 5 स्टेप्स में, जिसमें होगा क्लिंजिंग, स्टीमिंग, स्क्रबिंग, टोनिंग, फेस पैक. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग. क्लिंजिंग में हम सबसे पहले फेस वॉश का यूज करेंगे. आप जो भी फेस वॉश यूज करते हैं उससे अच्छे से फेस वॉश कर लेना है सबसे पहले. मैं यूज कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी पोर टाइटनिंग फेस वॉश. सबसे पहले अपने पूरे फेस को अच्छे से वेट कर लें और फेस वॉश से अच्छे से 2 मिनट तक अपने फेस को क्लीन करें. उसके बाद हम करने जा रहे हैं डबल क्लिंजिंग प्रोसेस. उसके लिए आपको ले लेना है आधा चम्मच नीम पाउडर, उसमें ऐड करना है 1/4 स्पून हल्दी यानी टर्मरिक. इन दोनों में थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके अच्छे से एक अच्छा सा थिन पेस्ट बना लें. उसके बाद ब्रश की हेल्प से या फिर अपने फिंगर टिप की हेल्प से इस पेस्ट को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें. अप्लाई करने के बाद अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करके इस पेस्ट का अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करें. इस प्रोसेस को भी आपको 1.5 से 2 मिनट तक करना है. उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है. इस प्रोसेस को करने का मेन रीजन ये था कि नीम पाउडर एक बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर होता है. यह आपकी स्किन को बहुत ही डीपली क्लीन करता है, साथ ही साथ आपके एक्ने को भी ट्रीट करता है. इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं. ये आपकी एजिंग को भी कंट्रोल करता है, आपके फाइन लाइंस को रिमूव करता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है. और हमने इसमें हल्दी इसलिए ऐड किया था क्योंकि हल्दी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स, और साथ ही साथ हल्दी हमारे फेस पे एक नेचुरल ग्लो लेकर आता है और एक्ने स्कार्स को भी रिमूव करता है. उसके बाद हमारी सेकेंड प्रोसेस है स्टीमिंग. अगर आपके फेस पे ज्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स नहीं है तो आप स्टीमिंग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टीम लेंगे तो आपके फेस से सारे बैक्टीरियाज, गंदगी,
सब कुछ डीपली रिमूव हो जाएगी। आपको सिर्फ एक से दो मिनट के लिए ही सिर्फ स्टीम लेना है। उसके बाद आप चाहें तो अपने फेस पे चारकोल पील ऑफ मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक अच्छा सा होममेड स्क्रब भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक चम्मच राइस फ्लावर लेना है, यानी चावल का आटा लेना है, उसमें आपको आधे चम्मच नीम पाउडर ऐड करना है और इन दोनों चीजों को गुलाब जल डाल के अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। राइस फ्लावर एक बेस्ट स्क्रब का काम करता है, या साथ ही साथ आपकी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है, आपके पोर्स को टाइटन अप करता है, आपके फेस से जो एक्सेस ऑयल होता है उसे एब्जॉर्ब करता है, और साथ ही साथ आपके फेस को सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। और नीम पाउडर का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए बेस्ट एंड अमेजिंग होता है। इस पेस्ट को अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर ले। जब ये 50-60% अच्छे से सूख जाए, उसके बाद अपने फेस को पानी से गीला करें और हल्के हाथ से अपने फेस पे जेंटली अपने फिंगर टिप्स को मूव करें और अपने फेस पे स्क्रब करें, स्पेशली उन एरियाज पे जैसे नोज, फॉरहेड, चिन एरिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होते हैं। स्क्रबिंग की प्रोसेस भी आपको 2 मिनट तक करनी है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। अब गाइज, हमने स्क्रब तो कर लिया और हमारे फेस की सारी गंदगी भी रिमूव हो गई, लेकिन जब हमारे स्किन से सारी गंदगी रिमूव हो गई और हमारे स्किन के ओपन पोर्स डीपली क्लीन हो गए, तो उन्हें वापस से श्रिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो ओपन रहेंगे तो उसमें और जल्दी बैक्टीरिया फॉर्म होने लगेगा, गंदगी जम जाएगी और एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हमें फिर से होने लगेगी। तो इसके लिए हमें करनी होगी टोनिंग, जो कि हमारी 4th स्टेप है। उसके लिए हम लेंगे एक आइस क्यूब और अपने पूरे फेस पे अच्छे से उसे रब करेंगे। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एक कॉटन के कपड़े में आइस क्यूब को रख करके अपने पूरे फेस पे रब कर सकते हैं। जब तक पूरा आइस कम्प्लीटली मेल्ट ना हो जाए, तब तक इसे अपने पूरे फेस पे रब करें। और उसके बाद आपको एक काम पहले से ही करके रखना है कि आपको एक स्प्रे बॉटल में रोज वाटर फिल करके फ्रिज में रखना है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप किसी भी कंटेनर में रोज वाटर फिल करके रख सकते हैं और कॉटन बॉल की हेल्प से उसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जब रोज वाटर बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाए तो आइस क्यूब रब करने के बाद आपको तुरंत रोज वाटर अपने फेस पे स्प्रे करना है या फिर कॉटन बॉल की हेल्प से अप्लाई करना है, और जब तक वो कम्प्लीटली अपने आप न सूख जाए उसे वैसे के वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट स्टेप, जो है फेस मास्क या फिर फेस पैक। ये फेस पैक आपके फेस से पूरा एक्सेस ऑयल रिमूव कर देगा, एक्ने स्कार्स को रिमूव कर देगा। अगर आपके फेस पे एक्ने हो रहे हैं तो उन्हें भी रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपके फेस से सारी टैनिंग को रिमूव कर देगा, जितनी भी आपके फेस पे डार्क प्रॉब्लम्स हो रही है उसे 100% रिमूव कर देगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए सैंडलवुड पाउडर, यानी चंदन का पाउडर। सबसे पहले एक चम्मच चंदन पाउडर ले लें, उसमें आपको ऐड करना है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और उसके बाद आधा चम्मच नीम पाउडर, और इन तीनों चीजों को गुलाब जल डाल के अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है, और आप चाहें तो इसमें चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीजों का फेस मास्क बनाने का क्या रीजन है? सैंडलवुड पाउडर हमारे फेस की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे स्किन को इवन टोन करता है, हमारे फेस से जो एक्ने स्कार्स रहते हैं उन्हें रिड्यूस करता है, हमारी स्किन टोन को लाइटन अप करता है, हमारी स्किन को क्लियर करता है, हमारे फेस से जो एक्सेस ऑयल होता है उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ ही साथ हमारे फेस पे एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, जो कि एक्ने से फाइट करता है। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन पे होने वाले सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन के पोर्स को टाइटन अप करता है, हमारे स्किन को बैलेंस्ड रखता है, ब्राइटन अप करता है, और साथ ही साथ अगर हमारे फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी धीरे धीरे रिमूव करने में हेल्प करता है। और नीम पाउडर के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एक्ने को भी ट्रीट करता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है एक फेस पैक में? इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक थिक पेस्ट अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें, और जब तक ये पूरा 100% ना सूख जाए इसे अपने फेस पे लगे रहने दें। उसके बाद कोल्ड वाटर से अपने पूरे फेस को वॉश कर लें। आई एम 100% श्योर ज्यादा रिफ्रेशिंग आपको कभी नहीं लगा होगा जितना आपको इस फेस पैक को रिमूव करने के बाद लगेगा। आप खुद ही विजिबली देख पाएंगे कि आपके फेस में पहले और बाद में कितना ज्यादा अंतर है। और इस फेशियल को आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, आपको 1% का भी रिग्रेट नहीं होगा कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्राइड एंड टेस्टेड फेशियल है। आई होप गाइज ये रेमेडी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो आपको 100% इसे यूज करना है और मुझे रिजल्ट शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग फेशियल है। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,
और अगर आपको स्किन हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम cosmetologist है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस पर क्लिक करके सीधे आप मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे और पर्सनली मुझसे डिस्कस कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए गए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। और गाइस प्लीज इसे यूज कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।